हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डेविड नॉलेज वर्ल्ड पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको 5 स्टॉक बताऊंगा जो कि आप 2022 के लिए बाय कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म, और आप उससे मोर देन 10% डिविडेंड ईच ईयर बेनिफिट उठा सकते हो। साथ में मैं आपको एक बाइंग जोन बताऊंगा, उस बाइंग जोन में अगर आप उस स्टॉक को बाय करते हो तो लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक आपको बेनिफिट ही देगा, कभी आपको लॉस नहीं देगा। बट मैं कभी का गारंटी नहीं ले सकता कि ये शेयर मार्केट माइट बी पॉसिबल आपको लॉस दे सकता है, लेकिन बहुत ऐसा रेयर केस है उसी केस में वो स्टॉक उस प्राइस से नीचे जाएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक को बाय करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देगा और साथ साथ में आप डिविडेंड का भी बेनिफिट उठा पाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मैंने आज से करीब एक महीना पहले जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड पे एक वीडियो बनाया था, और उस टाइम करीब उस शेयर का प्राइस 4.35 के आसपास चल रहा था, और करेंटली जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड 5.50 पे ट्रेड कर रहा है, इवन 6 का हाई टच करके आया। आज के 30 डेज में जिसने भी जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड का स्टॉक बाय किया होगा मेरा वीडियो देखकर, या फिर उनको कहीं और से नॉलेज होगी तो उन्होंने जो स्टॉक को बाय किया होगा तो उसका 35% रिटर्न मिला होगा लास्ट 30 डेज में। और मैंने 15 दिन पहले ITC पे एक वीडियो बनाया था जो कि ITC का उस टाइम जो प्राइस चल रहा था करीब 234 के आसपास चल रहा था, उस टाइम मैंने वो वीडियो बनाया था, और करीब आज का जो ITC का प्राइस है, अगर लास्ट जो फ्राइडे को ITC मूवमेंट किया 261 का हाई टच करके आया और 255 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ ITC का, तो समझ सकते हैं करीबन ITC का स्टॉक भी जिसने भी बाय किया होगा उससे भी 10-12% का रिटर्न मिल गया होगा लास्ट के 10 डेज में। ओके, तो मैं ये 5 बेस्ट स्टॉक आप लोगों के लिए लेके आया हूं इसलिए क्योंकि ये जो सबसे, अगर स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा क्रिटिकल चीज है, अगर कोई भी क्रिटिकल चीज है तो बेस्ट स्टॉक का सिलेक्शन करना, और खास करके उनके लिए जो कि स्टॉक मार्केट में भी बिगनर हैं, एज ए मतलब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग स्टार्ट किए, उनके लिए काफी एक क्रिटिकल डिसीजन होता है कि हम कैसे स्टॉक को फिल्टर आउट करें कि अगर हम पैसा उस स्टॉक में लगाए तो मेरा पैसा डूबे ना और मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट के रूप में रिटर्न आए। तो ऐसे स्टॉक को फिल्टर आउट करना काफी क्रिटिकल होता है, और खास करके उनके लिए जो स्टॉक मार्केट में बिगनर हैं या फिर एज ए नया इन्वेस्टमेंट करने आए हैं। और लोग तो यहाँ पे बहुत लोग तो यहाँ पे 50,000 और 1,00,000 रुपए लेके आते हैं और सोचते हैं कि अभी हम अपना 50,000 डाल दें और 1,00,000 डाल दें, आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स जो है वो मेरा 50,000 1,00,000 बिकम्स कन्वर्ट इन 15 लाख्स 25 लाख्स। मे भी बहुत लोग का ये भी अपेक्षा होता है कि कन्वर्ट इन 1 करोड़। भैया ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और ये लोग को इतना प्रेरणा मिलती कहाँ से, यूट्यूब पे ऐसे सर्च मारोगे तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएगी जो आपको बताओगे भाई फलाना ने 2002 में ये स्टॉक बाय कर लिया तो उसकी वैल्यू आज के डेट में 10 करोड़ हो गया। आई एग्री विद डैट, ये पॉसिबल है, इवन हुआ भी है, लेकिन आप जरा खुद सोचो भैया कि जब फलाना ने उस स्टॉक को बाय किया था वो दौर 2002 का था, लेकिन अभी का जो चल रहा है वो 2021 चल रहा है। 2002 में कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते थे? बहुत कम, सिर्फ वैसे फैमिली या फिर वैसे पर्सन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते थे जो वेल एजुकेटेड पर्सन थे, जो काफी पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनको फ्यूचर एनालिसिस करने का नजरिया था, व्यू था, उन्होंने उस टाइम पैसा इन्वेस्ट किया, उनका पैसा आज मल्टीबिगर्स हुआ। लेकिन भैया एक चीज और भी तो समझो, 2002 स्टॉक को फिल्टर आउट करना इजी था क्योंकि उस टाइम मार्केट में कंपटीशन नहीं थे, बहुत सारे स्टॉक्स नहीं थे, उस टाइम आप इजी वे में स्टॉक को फिल्टर आउट कर लेते। लेकिन अगर 2021 में मैं आपको बोलूं कि भैया कोई ऐसा स्टॉक मुझे फिल्टर आउट करके दे दो जो आगे आने वाले 10 साल में मेरे पैसे को करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर दे, मैं अभी 2,00,000 लगाऊं और 10 साल बाद मेरा 2,01,00,000 में बन जाए, तो अभी के डेट में ये काफी क्रिटिकल डिसीजन होगा कि आप वैसे स्टॉक को शायद ही फिल्टर आउट कर पाओ, क्योंकि वैसा स्टॉक है ही नहीं। इसके पीछे रीजन ये है कि आज के डेट में मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कोई भी फील्ड देख लो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, मेटल सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर आप उठा के देख लो, हर एक सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा मूवमेंट है। तो अभी के डेट में अगर आप लोग ऐसा मतलब उम्मीद लेके आ रहे हैं कि हम 50,000 लेके आ रहे हैं, 1,00,000 रुपया लेके आ रहे हैं, उसको हम शेयर मार्केट में पुट करें और इन फ्यूचर 5 इयर्स या 10 इयर्स में वो मेरा जो 50,000 है और 1,00,000 इट्स बिकम ए 50 लाख्स, इट्स बिकम ए 25 लाख, देन इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, अगर आप ये उम्मीद के साथ आएंगे कि अगर आप ये उम्मीद के साथ मार्केट में आते हो कि अगर हम अभी 50,000 या 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल बाद 4 साल बाद मेरा पैसा
डबल हो जाए या डबल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो ऐसा पॉसिबल है। ऐसा आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे जिसको आप रिसर्च करके प्रॉपर एनालिसिस करके अगर उस स्टॉक में आप पैसा फेंकोगे तो आपका पैसा इन फ्यूचर 3 to 4 ईयर्स में इजी वे में डबल हो जाएगा, मे बी डबल से भी थोड़ा ज्यादा हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो कृपया अपने दिमाग को इस बात पर ना दोहराएं कि मुझे कोई ऐसा स्टॉक बता दो जो मेरे पैसे को 1 लाख को 10 लाख या 20 लाख में कन्वर्ट कर दे, भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है अगर आप ऐसे स्टॉक को एनालिसिस करोगे जो मेरे पैसा को डबल कर जाए, तो ऐसे आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे इजी वे में। आपको सिर्फ एनालिसिस करने की जरूरत है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके लिए 5 बेस्ट स्टॉक लेके आया हूँ जो 2022 के पर्पज से इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लॉन्ग टर्म के, अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज से लेते हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और साथ में आपको डिविडेंड मिल जाएगा। कुछ लोग तो ये भी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि सेंसेक्स 61,000 पे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी 18,300 यानी 18,300 पे सस्टेन ट्रेड कर रहा है, मार्केट जब क्रैश होगा तब मैं पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा। भैया मार्केट को कभी डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप मार्केट में आना चाहते हो ना तो यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन, मार्केट कैन नॉट डिसाइड, तो आपको ही अपना प्लान बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट। बहुत लोगों का कहना कि मार्केट क्रैश करेगा, भैया मेरे जहां तक मेरे मुझे नॉलेज है, जहां तक मेरी एक्सपीरियंस है, तो मैं लास्ट 5 to 6 ईयर से इस फील्ड में हूं, तो जहां तक समझ आता मेरे हिसाब से फिलहाल मार्केट क्रैश करने वाला नहीं है, मार्केट ने अभी बस रफ्तार पकड़ी है, अभी इसे ऊपर और जाना है। हाँ, इट माइट बी पॉसिबल, हो सकता है कि मार्केट करेक्शन लेने के लिए थोड़ा सा नीचे आए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं, अगर किसी चीज का प्राइस भागता है तो सीधा भागता नहीं रहेगा, वो कुछ दूर भागेगा फिर सस्टेन करेगा फिर कंसोलिडेट करेगा फिर में भी थोड़ा सा नीचे आए फिर कंसोलिडेट करे देन ऊपर जाए, ये पॉसिबल है कि थोड़ा सा करेक्शन मार्केट ले सकता है। लेकिन अगर आप ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि मार्केट क्रैश करेगा तब मैं पैसा स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा, तो फिलहाल के लिए भैया आप ये भूल जाओ कि मार्केट क्रैश करने वाला है, क्योंकि अभी जस्ट 2020 में मार्केट क्रैश हुआ है और अभी 2021 आया, अगर इतनी जल्दी मार्केट क्रैश हो जाए तो हर किसी को पता हो जाए, हर कोई पैसा लगा के यहाँ पे करोड़पति बन जाए। तो मेरे जहां तक मेरा नजरिया मेरे अंडरस्टैंडिंग से मार्केट फिलहाल क्रैश नहीं करेगा, बाकी मार्केट है कुछ भी हो सकता है, बट एज पर माई सिक्योरिटी मार्केट को क्रैश नहीं होना चाहिए, मार्केट में भी करेक्शन के लिए थोड़ा सा नीचे ले सकता है, इट माइट बी पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं बढ़ती है, कहीं ना कहीं जाके कंसोलिडेट होती है देन वहां से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की मूवमेंट पकड़ती है। तो चलिए मैं अपने पॉइंट पे आता हूं और आपको बेस्ट 5 स्टॉक बात करता हूं। तो इसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और आपको बेस्ट 5 स्टॉक बताऊंगा रिसर्च करके, और काफी मैं रिसर्च करके बताऊंगा और ज्यादा लंबा मैं इस वीडियो को नहीं खींचूंगा कि लोग बोर हो जाते हैं वीडियो देखने में। तो चलिए मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूं और आपको यहां पे स्क्रीन पे चार्ट दिख रही होगी। तो सबसे पहला जो शेयर है आपके लिए पावर ग्रिड का है, पहला शेयर आपका पावर ग्रिड है, दूसरा जो आपका कोल इंडिया है, तीसरा जो आपका NTPC है और चौथा जो आपका ITC है और पांचवा जो आपका HPCL है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पावर ग्रिड के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पावर ग्रिड जो है एक गवर्नमेंट की कंपनी है जिसका कि फाइनेंशियल डेटा बहुत अच्छा है, हर एक साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है और आपको इसके चार्ट पे DD के अलावा कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, आप देख रहे हैं खाली DD, यानी जो पावर ग्रिड जो है काफी बेहतरीन डिविडेंड पे आउट करती है। इवन अगर चार्ट को और हम स्मॉल करें तो आपको देख सकते हैं कितना डिविडेंड पे आउट करती है पावर ग्रिड, देख रहे हैं खाल डी के अलावा कुछ है ही नहीं चार्ट के ऊपर। तो आप पावर ग्रिड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप मार्केट को एनालिसिस करके अपने हिसाब से इसको बाय कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे हिसाब से आपको कहां पे बाय करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से पावर ग्रिड अभी काफी बुलिश में दिख रहा है। तो पावर ग्रिड अगर आपको 190 के आसपास दिखता है तो आप बेसिक पावर ग्रिड को बाय करें, 185 यानी 182-183 का स्टॉप लॉस पुट कर दें। पावर ग्रिड को आप बाय कर सकते हैं 190 के आसपास और स्टॉप लॉस आप पुट करें कितना, 182 या 183 के आसपास स्टॉप लॉस पावर ग्रिड को
पावर ग्रिड में आप लगा सकते हैं। तो पावर ग्रिड का पहला हो गया। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पावर ग्रिड जो है आपके प्रॉफिट को डबल करेगा, क्योंकि काफी अच्छा है, बुलिश पैटर्न है, काफी बेहतरीन इसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड है। तो दूसरा हम लोग चलते हैं पावर ग्रिड के बाद, जो दूसरा स्टॉक है हमारा कोल इंडिया। तो कोल इंडिया काफी बेहतरीन स्टॉक है, काफी बेहतरीन, और इसका भी फाइनेंशियल डेटा बहुत अच्छा है। ये भी गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी कंपनी है और कोल इंडिया भी डिविडेंड अच्छी खासी देती है, यानी कोल इंडिया भी करीब आपको 10 रुपए के आसपास हर एक साल में कोल इंडिया भी डिविडेंड पे आउट कर देगी। और कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो आप एक चीज मैं आपको समझाना चाहूँ, कोल इंडिया इस टाइम पे इस लेवल पे दिख रही है, बस आपको देख लो चार्ट में 180 से लेके है, और ये जो 150 का जोन है सिर्फ अभी में दिख रही है। बाकी अगर आप फ्यूचर में मतलब पहले अगर हिस्ट्री में देखें तो कोल इंडिया 225 पे ट्रेड कर रही है, 250 पे ट्रेड कर रही है, 300 पे ट्रेड कर रही है, 350 पे ट्रेड कर रही है, इवन 425 पे ट्रेड कर रही है। तो कोल इंडिया का जो करेंटली प्राइस आपका चल रहा है करीब 183 के आसपास चल रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो कोल इंडिया को बेझिझक इसी प्राइस पे आप बाय करेंगे। अगर आप चाहें कि कोल इंडिया थोड़ा सा और नीचे गिरे देन मैं पोजीशन लूं तो हो सकता है नीचे भी कोल इंडिया आ सकता है, लेकिन अगर नीचे नहीं आएगा तो आपको फिर जिंदगी भर के लिए रिग्रेट रहेगा कि मैंने कोल इंडिया को क्यों नहीं बाय किया। और कोल इंडिया में वो कैपेबिलिटी है कि ये अपने प्राइस को 300-300 के पार भी आने वाले 1-2 साल में लेके जा सकता है, मे भी आपको 400 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो कोल इंडिया वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है जो आप अपने पोर्टफोलियो में एड कर सकते हैं और करेंट लेवल पे आप बाय कर सकते हैं 183 के आसपास। यहां पे 200 पे इसका रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, जिस दिन ये 200 का रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट देगा फिर कोल इंडिया को कोई पकड़ने वाला नहीं हो, कोल इंडिया आपको आगे आपको 250 या 300 का लेवल तक आपको कोल इंडिया टच करके दिखा सकता। और अगर कोल इंडिया नीचे आता है तो नीचे मुझे नहीं लगता कोल इंडिया नीचे आएगा नीचे, क्योंकि कोल इंडिया काफी बेहतरीन स्टॉक है। अगर नीचे आता है तो ये सबसे अपना जो इसका बुरा समय चल रहा था कोरोना के टाइम जो 2020 में, तो उस टाइम कोल इंडिया ने जो 110 या 11 का लो बनाया था, मतलब लास्ट 5 साल में अगर मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को और कम करूं तो आपको देखें लास्ट 5 साल में, आपको मैं एक बार और थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, आप ये देख रहे हैं 2016 आपको यहां पे दिख रहा होगा, 2016 यहां पे दिख रहा होगा, करेंटली जो ये चार्ट है 2021 का है। तो आप खुद ही देख लो कि लास्ट 5 साल में कोल इंडिया ने क्या किया, लास्ट 5 साल में कोल इंडिया कभी भी 110 के नीचे गई ही नहीं है, और ये कभी भी नहीं गई, और ये भी गई थी कब, कोविड के टाइम में गई थी। तो आप समझ सकते हैं कोल इंडिया कितनी बेहतरीन कंपनी है। तो मुझे तो जहां तक लगता है कि मैंने इवन इसमें 1 लाख का अमाउंट लगा भी रखा है, जबकि मेरी बाइंग जो है 185 के आसपास है बाइंग मेरी, तो मैंने लगा रखा, और मैं कोल इंडिया के साथ काफी बुलिश हूं, इन फ्यूचर ये कोल इंडिया 300 या 350 का लेवल टच कर सकता है। तो हम लोग तीसरे स्टॉक के ऊपर बढ़ते हैं, तीसरा स्टॉक आपका एनटीपीसी आता है। तो एनटीपीसी जहां तक मुझे समझ है तो ये अपने हाई लेवल पे जो ट्रेड कर रहा है, यानी 140 अगर हम देखें तो ये लास्ट 5 साल में 150 से ऊपर एनटीपीसी कभी गई नहीं। एनटीपीसी भी एक बहुत अच्छी कंपनी है जो गवर्नमेंट की कंपनी है, और इसका भी फाइनेंशियल डेटा काफी तगड़ा, आप एनालिसिस कर सकते हो। तो एनटीपीसी की जहां तक बात है कि 150 से ऊपर कभी गया ही नहीं, और एनटीपीसी मेरे हिसाब से अपने हाई जोन पे फिलहाल के लिए ट्रेड कर रही है। तो एनटीपीसी को फिलहाल आप बाय ना करें, बाकी एनटीपीसी में भी देखिए डिविडेंड आपको काफी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। एनटीपीसी में आप देख रहे हैं कितना अच्छा इसका डिविडेंड पे रिकॉर्ड है, तो आप स्टॉक को बाय करेंगे तो डिविडेंड तो आपको मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा एनटीपीसी ना अपने हाई लेवल के ट्रेड पे जून कर मतलब सॉरी ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कि जब एनटीपीसी ना 150 या मेरे हिसाब से जब एनटीपीसी आपको ना 150 या 152 का लेवल ब्रेकआउट देता है, 150 या आप ये समझ लो कि अगर एनटीपीसी 160 का लेवल ब्रेकआउट देता है तो आप 160 के लेवल पे इसे बाय करें और 150 के स्टॉप लॉस के साथ, क्यों ना कि एनटीपीसी ना अपने हाई जोन पे ट्रेड कर रही है। तो मे बी पॉसिबल है कि वहां से एनटीपीसी नीचे भी अगर नीचे आ गया तो आप वापस 120-115 के आसपास इसमें पोजीशन ले सकते हैं एनटीपीसी में। अगर ऊपर गया तो ऊपर जाने लिए अभी थोड़ा सा एनटीपीसी में आप वेट एंड वॉच करें, अगर एनटीपीसी 160 के लेवल को ब्रेकआउट देता है देन आप एनटीपीसी को बाय करें और 150 का स्टॉप लॉस पुट करें। लेकिन अभी एट ए करेंट टाइम से जो मुझे समझ आया एनटीपीसी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने का टाइम है, क्योंकि एनटीपीसी अपने हाई ट्रेड मतलब अपने हाई जोन पे ट्रेड कर रही है। तो या तो ये एनटीपीसी ब्रेकआउट देकर ऊपर जाएगी या फिर वहां से नीचे आएगी, अगर नीचे आएगी तो आप वापस से पोजीशन 115 के आसपास एनटीपीसी में ले सकते हैं,
अगर ऊपर 160 का लेवल एनटीपीसी क्रॉस करती है देन आप 160 के ऊपर बाय कर सकते हैं 150 के स्टॉप लॉस के साथ। और जो 160 की जो मैं आपको बता रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, ये इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग, यानी ये जब भी अपना रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ऊपर की ओर भागेगा तो हो सकता है कि एनटीपीसी आपको 200 या 250 का लेवल देखने को एनटीपीसी में मिल जाए। लेकिन फिलहाल के लिए एनटीपीसी में अब वेट एंड वॉच कीजिए थोड़ा सा कुछ समय के लिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है आपका आईटीसी वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करें। आईटीसी पे मैंने वीडियो भी बना रखी है, तो उस वीडियो मैंने एडवाइस किया था कि आईटीसी 200 लेवल के पे बाय करने के लिए और 220 के लेवल पे बाय करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी आईटीसी काफी बुलिश हो गया और उस टाइम मैंने आईटीसी को करेंटली 234 पे बाय किया था उसी वीडियो जिसमें मैं आईटीसी की अपनी जो लास्ट वीडियो बना रहा था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके एक बार वॉच कर लीजिएगा। उस टाइम अगर आईटीसी का शेयर्स बाय कर लिए होते तो शायद आज आपको 10-12% का रिटर्न देखने के लिए मिल गया होता। तो आईटीसी तो काफी बुलिश पैटर्न पे मुझे नजर आ रहा है, काफी बुलिश, और आईटीसी में यह कैपेबिलिटी है कि आगे आने वाले 300 का लेवल तक टच कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो आईटीसी फिलहाल 200 के लेवल पे तो आने नहीं जा रहा है, 200 का लेवल तो आप छोड़ दो, आईटीसी 220 के लेवल को आपको दिखाने के लिए नहीं जा रहा फिलहाल जो हिसाब से इसका भी करेंट बुलिश पैटर्न चल रहा है। तो अगर आपको आईटीसी का बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप करेंट प्राइस पे बाय कर लो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है, अगर आप चाहते हो कि मार्केट में थोड़ा सा आईटीसी के शेयर में थोड़ा सा करेक्शन आए देन हम बाय करें, तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लो। जब आईटीसी आपको वापस से 234 के लेवल पे दिखे, 234 के लेवल पे दिखे, देन आप आईटीसी को बाय कर लेना और स्टॉप लॉस 230 के लिए पुट कर देना, स्टॉप लॉस 230 के लिए और बाइंग 234 के लिए। कब? जब आप चाह रहे हो कि आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे तब। अगर आप चाह रहे हो कि लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से, मतलब लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप करेंटली प्राइस पे बाय कर सकते हो, आईटीसी में कोई दिक्कत नहीं है। और आईटीसी भी अच्छा खासा डिविडेंड देता है, करीब 10% के आसपास, सॉरी 10 रुपीज के आसपास डिविडेंड है। जिसके पास आईटीसी का एक शेयर होगा उसको भी 10 रुपया एक साल में डिविडेंड के रूप में मिल जाएगा। और आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि आईटीसी ने जो लास्ट डिविडेंड पे आउट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट जिसने डिविडेंड पे आउट किया था 5.75 किया था 10 जून को, और उससे पहले जो इसने पे आउट किया था 5, तो 5 + 5.75 इक्वल टू 10.75 आईटीसी भी आपको एज ए डिविडेंड के रूप में हर एक साल दे देगा। मैंने चार्ट काफी मतलब मिनिमाइज करके भी देख रखा है, काफी अच्छा है। आप इसको मिनिमाइज करूंगा तो आपको डीडी दिखा दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 रुपये का डिविडेंड आईटीसी दे रहा है, यहाँ पे देखिए 5.75 का डिविडेंड दिया है, और यहाँ पे वापस देखिए आपको 5.15 रुपये, या तो इकट्ठे आपको 10 रुपये के मैं डिविडेंड आईटीसी दे दे रहा है, या 5-5 रुपये को ब्रेक करके दे रहा है, यानी फर्स्ट टाइम 5 रुपये के लिए दे रहा, फिर अगले टाइम 5 रुपये के लिए। तो आईटीसी भी करीब आपको 10 रुपीज के आसपास इस शेयर डिविडेंड पे आउट दे दे रहा है। लास्ट आपका जो आता है एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो भैया एचपीसीएल की तो कोई बात ही ना पूछो, कि एचपीसीएल का तो डिविडेंड इतना तगड़ा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि एचपीसीएल ने जो लास्ट डिविडेंड पे आउट किया था 22.75, कैन यू इमेजिन दैट, किसी शेयर्स का प्राइस 300 है। आपको मैं यहां पे दिखाता हूं मार्क करके, अदरवाइज आप बोलोगे मैं ऐसे ही बोलने जा रहा हूं। यहाँ पे आप देखो आईटीसी का प्राइस 300 चल रहा था, और इस टाइम इस टाइम एचपीसीएल का जो प्राइस था 300 के आसपास चल रहा था, और जो इसने डिविडेंड इसने दिया है करीब 22.75, यानी एचपीसीएल का शेयर जिसके पास था भैया एक शेयर, उसको 22 रुपये यानी अप्रोक्स 23 रुपये के आसपास डिविडेंड मिल जाता। भैया अगर आप 4 साल इस स्टॉक को होल्ड कर लेते हो तो 100 रुपये के आसपास तो इस शेयर आपको ऐसे ही डिविडेंड मिल जाएगा। और एचपीसीएल ऐसा कारनामा पहला बार नहीं किया, एचपीसीएल ने ऐसा कारनामा पहले भी कर चुका है। मैंने बहुत बार चार्ट को वो करके देखा है, तो मैंने बहुत बार देखा है कि एचपीसीएल ने देखिए यहाँ पे भी 14.50 रुपये का दिया है, कहीं पे 16 रुपये का दिया है, कहीं पे 12 रुपये का दिया है, कहीं पे HPCL ने भी 5-2 रुपए का डिविडेंड दिया है। बट HPCL भी काफी बुलिश स्टॉक है, और लॉन्ग टर्म में आप अगर बात करें तो HPCL की भी कैपेसिटी है कि ये 500 के लेवल तक को टच कर सकता है, और HPCL भी काफी बुलिश पैटर्न में दिख रहा है 475 के लिए। तो मैं जहां तक कहूं, मुझे जहां तक लगता है कि HPCL ने भी इस लेवल को 325 के लेवल को ब्रेकआउट दे चुका है, तो मुझे जहां तक लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो HPCL को भी आप करेंट प्राइस पे बाय कर सकते हो। अगर आपको चाहते हैं कि थोड़ा सा HPCL के शेयर में करेक्शन आ जाए देन मैं बाय करूं, तब आपको HPCL 300 के लेवल पे बाय करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि HPCL में थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद मैं HPCL में पोजिशन लूं, तो आपके लिए 300 का लेवल है। अगर आप लॉन्ग
प्रोस्पेक्टिव से व्यू से शेयर्स को बाय करना चाहते हैं एचपीसीएल के, तो आप एट ए करेंट प्राइस भी बाय कर सकते हो एचपीसीएल। तो ये थे आपके बेहतरीन 5 स्टॉक, मैं एक बार आपको लिस्ट के ऊपर भी दिखा देता हूं शॉर्ट में। आपको ये रहा आपके 5 बेहतरीन स्टॉक, पहला पावर ग्रिड, दूसरा कोल इंडिया, तीसरा एनटीपीसी, चौथा आईटीसी, पांचवा एचपीसीएल। तो मेरे हिसाब से अभी आपको कोल इंडिया बिल्कुल ही बाय कर लेना चाहिए, और आईटीसी का तो कोई जोर ही नहीं है, और एचपीसीएल, ये तीन स्टॉक तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप बाय कर लो। एनटीपीसी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लो, एनटीपीसी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लो, उसके बाद एनटीपीसी में जो मैंने बताई है उसके हिसाब से आप डिसीजन लेना। और पावर ग्रिड को भी आप बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पावर ग्रिड भी बेहतरीन स्टॉक है, और ये भी मुझे ये भी लगता है कि ये भी इन फ्यूचर में काफी 300 या 350 का लेवल दिखाएगा। लेकिन कोल इंडिया, आईटीसी और एचपीसीएल, ये तीन का तो कोई जोड़ ही नहीं, आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप किसी का वीडियो देख के, मैं इस वीडियो में बता रहा हूं जो अपने नॉलेज अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो में बोला और आप जाके शेयर्स को बाय कर लें, कल होकर आपको लॉस होता है तो भैया मैं फलाना का वीडियो देख के बाय किया, तो मैं ये कभी एडवाइस नहीं करूंगा। आपके अंदर भी एक नॉलेज होना चाहिए, कॉमन सेंस की होना चाहिए, आप भी खुद सोचो समझो परखो और देन जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करो। आपने रेट भी टीवी पर देखा होगा, एनएसई का बराबर रेट आते रहता, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करें। तो बस आपको किसी के वीडियो के बहकावे में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आप सोचिए समझिए, डिटेल में एनालिसिस कीजिए, देन स्टॉक को बाय कीजिए। तो ये थे आपके बेस्ट 5 स्टॉक जो कि आप 2022 के लिए बाय कर सकते हो फॉर ए लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म में बाय करोगे तो आपको डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, डिविडेंड के साथ इट माइट बी पॉसिबल कि इन फ्यूचर 2 and 3 years में आपका पैसा डबल भी हो जाए, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, मे बी आपका पैसा डबल भी हो जाए। हाँ, और दूसरी बात यह कि अगर आप किसी स्टॉक को बाय करते हो और बाय करते के साथ उसका प्राइस नीचे गिर जाता है तो उस सिनारियो में आपको क्या करना चाहिए, तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, सबसे पहला नंबर आप जब भी कोई स्टॉक को बाय करो ना तो प्रॉपर एनालिसिस करके करो, प्रॉपर रिसर्च करके करो, और सबसे पहले आप स्टॉप लॉस की सोच लो या फिर अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को सोच लो कि मुझे कितना का रिस्क लेना है, मेरे अंदर कितनी की कैपेबिलिटी है, कितनी की कैपेसिटी है रिस्क लेने के लिए। तो ये पहला पॉइंट आपको पहले से डिसाइड कर लेना है। दूसरा पॉइंट आपका जो है कि इमोशन, कंट्रोल योर इमोशन, आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है। थर्ड पॉइंट जो है आपका वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है जो कि आपके पास पैसेंस कितना है, शेयर मार्केट आपका पैसेंस चेक करके आपको बता देगा, तो आपको अपने पैसेंस और इमोशन पे वर्क करना है। और जो लास्ट है, वन ऑफ द की है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइंडसेट प्रॉब्लम, माइंडसेट इज द वन ऑफ द की है जो कि शेयर मार्केट में सबसे बड़ा की, अगर जिसको अपने माइंडसेट प्रॉब्लम में समझ, मतलब माइंडसेट कहने का मतलब अपने दिमाग को शेयर मार्केट में कैसे यूटिलाइज करें और कब हमें किस एंगल से क्या डिसीजन लेना चाहिए, अगर ये चीज समझ में आ गया और अपने इमोशन को आपने कंट्रोल करना सीख लिया और पैसेंस को और रिस्क रिवार्ड रेशियो को, देन शेयर मार्केट आपको एक अच्छा रिवार्ड देगा। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो ना तो बस कर डालो, सोचो मत कि कब करना है कैसे करना है, अगर आप बैठ के सोचोगे ना तो बस सोचते रह जाओगे और आपके सामने प्रॉब्लम का जो है ना वो प्रॉब्लम का भंडार लगते बड़ा होते जाएगा। लेकिन आप क्विकली अगर कर डालोगे तो आपका जो सामने जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे ऑटोमेटिक सॉर्ट होते चला जाएगा। तो आप जो भी चीज़ करना चाहते हो, आपका जो भी पैसन है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, स्टॉक को फिल्टर करना, या जो चीज़ आपकी अदर एक्टिविटीज है, आप उसमें पूरे दिल से करो, पूरी शिद्दत से करो, बस कर डालो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इन फ्यूचर में मैं एक से एक बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।